राम गोविंद हरे, बजुरे भैया राम गोविंद हरे। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, उसका एक गहरा कनेक्शन है जो हमारे म्यूजिक अफगानिस्तान म्यूजिक है। यानी आप टेक्निकली हिसाब से आप इंडिया और अफगानिस्तान की म्यूजिक को डिफरेंट नहीं कह सकते। जो रागों के बेस हैं और जो ख्याल गायकी है क्लासिकल के हिसाब से, ये बिल्कुल सेम है। सिर्फ जैसे थोड़ा सा डिफरेंट गरानों में मिलता है आपको, जैसे ग्वालियर गराना है, पटियाला गराना है, इसी हिसाब से थोड़ा सा अफगानिस्तान में जो गायकी का अंदाज है थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज सेम है। इसी वजह से मुझे, क्योंकि अब तो म्यूज़िक का जो नॉलेज है यहाँ इंडिया में बहुत अच्छा है, और हमारे कंट्री में तो अभी इतना म्यूज़िक सीखने के लिए मतलब मौका नहीं मिलता है, तो इसी वजह से मुझे लगा हुआ कि मैं इंडिया के और म्यूज़िक को अच्छी तरीके से सीखूँ। और जब मैं यहाँ इसी बंदिश को मैंने अपने गुरु जी को यहाँ बल पम रसीद जानम तू भी आके जिंदा मानम पस जान के माना मानम बचिकार खाया मारे मन भी आ भी आ यारे मेरा एम भी यही है कि मैं आप जो यंग जनरेशन जो है हमारे कंट्री में, जो उन लोगों का लगाव है म्यूजिक सीखने के लिए, एम है म्यूजिक सीखने के लिए, तो सबको तो मौका नहीं मिलता है कि इंडिया आने के लिए, तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि बाद में जब मैं यहाँ अपना पीएचडी कंप्लीट करके और भी जो कमियाँ हैं मेरे मुझ में म्यूजिक सीखने के लिए जो और भी बाकी है, और भी सीखने के बाद वापस अफगानिस्तान जाके वही काबुल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करूंगा और जो वहाँ बच्चे हैं उन लोगों को मैं सिखाऊंगा। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ कई विदेशी छात्र आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, नेपाल से आते हैं, और ये अफगानिस्तान से आए हुए हैं, और लगभग पिछले 3-4 साल से यहाँ ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इनको यहाँ आने से, और इनको भारतीय संस्कृति संबद्ध परिषद जो कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी संस्था है, जो हमारे यहाँ से विदेशी छात्रों को या विदेशी लोगों को यहाँ आकर हमारी संस्कृति से अवगत कराती है और हमारे यहाँ के लोगों को वहाँ की संस्कृति से अवगत कराती है, तो इस दरमियान मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के काम वास्तव में होना चाहिए। तो जितना भी बाकी जगह जो आतंकवाद है या मारपीट है, इस तरह के जो काम है, उसमें कुछ विराम लग सकता है, क्योंकि जब हम सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के पास में आएंगे, अपनी धरोहरों को दूसरे में बांटेंगे, उनकी धरोहर हम लेंगे, तो निश्चित रूप से एक सामंजस्यता कहीं ना कहीं बनेगी, और उस सामंजस्यपन से इस प्रकार के जो विद्रोह हो रहे हैं या इस प्रकार के जो कुरीतियां समाज में व्याप्त हो रही, वो निश्चित रूप से दूर होंगी, ऐसा मुझे लगता है।